ऑडियंस के मोस्ट फेवरेट शो बिग बॉस ओटीटी 2 का लोगों के बीच एक अलग ही क्रेज है। अब बिग बॉस का आखिरी हफ्ता भी शुरू हो चुका है और इस हफ्ते सलमान ने घर वालों को उनकी प्यारी ट्रॉफी की भी झलक दिखा दी है। लेकिन इन सबके बीच एल्विश और अभिषेक और फुकरा इंसान की दोस्ती में भी दरार आती दिख रही है। दोनों में पनप रही इनसिक्योरिटी साफ देखी जा सकती है। और इतना ही नहीं, फुकरा इंसान ने एल्विश के खिलाफ कई ऐसी बातें की हैं जिसके बाद एल्विश काफी इमोशनल नजर आ रहे हैं। अभिषेक ने एल्विश पर ये तक बोल दिया कि वो नेगेटिव पीआर कराते हैं। अब फुकरा इंसान ने ये बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जिस तरह वो ट्रोल हो रहे हैं वो भी देखने लायक है। चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। दरअसल इस वीकेंड के वार में सलमान ने ये मुद्दा उठाया था कि अभिषेक को कभी भी वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो का विनर नहीं लगता, और ये बात अभिषेक ने एल्विश यादव के लिए फैमिली वीक के दौरान कही थी। और सलमान के जाने के बाद इसी बात को लेकर दोनों के बीच बातचीत भी हुई। तब अभिषेक ने कहा कि मुझे फैमिली वीक में ही पता चला कि एल्विश की टीम की तरफ से उनकी नेगेटिव इमेज बनाई जा रही है, और फुकरा इंसान की ये बात एल्विश को इतनी बुरी लगी कि वो उनसे खफा हो गए। एल्विश ने उन्हें इस बात पर कहा कि मुझे अगर नेगेटिव पीआर करना होता तो मैं घर में आते ही सीधा तुमसे पंगा लेता। मैं बार बार तुझे विनर मानने की बात नहीं करता। अब आपको क्या लगता है, क्या सच में एल्विश का पीआर फेक या नेगेटिव है, या फुकरा इंसान एल्विश को जानकर निशाना बना रहे हैं? आपको क्या लगता है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और देखते रहिए ENT Live।